आपका कौन सा फेवरेट रहा आइस को पहन के रखता है पैंट में रखता है पैंट में रखता है, तो में रखता है। आपका कौन सा फेवरेट रहा एंड शूटिंग के दौरान आपको बहुत ही आपको एंजॉय किया बहुत आपको? गर्मी थी आइस वाला मस्त था <laughs> <laughs> बहुत गर्मी हो जाती है ना बॉम्बे में एंड कियारा जी तकरीबन हाय कितने किसिंग सीन होंगे आपके एंड शाहिद के एंड गिने नहीं अभी आपको देखना पड़ेगा ट्वेंटी फर्स्ट जून को उसी का पैसा है शाहिद सर ऑल राइट अरुण वी विल कम बैक टू यू एक सेकंड बस वी विल जस्ट टेक द चेयर्स या एक सेकंड ना शाहिद सर योर लेफ्ट चेयर लगा ले यार एक मिनट अरे 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 बैठने तो देंगे हम उसको फिर साफ भी करना पड़ेगा थोड़ा तो डस्टी है जी वो आइस वाला शॉट नहीं देखा था <laughs> वो डार्क लगा

लगा पड़ा है वो क्यूब, क्यूब फ्रिज में होते हैं मतलब वो वो गोले वाले के पास क्यूब नहीं होते अलग अलग-अलग अच्छा वो वो अलग, भी होते हैं in, uh, और हमको दिखता है स्क्रीन पे दिस इज कबीर सिंह और वाकई में कोई है शख्स जिसका प्यार में दिल टूटा हुआ है और वो उलझुल हरकते कर रहा है वोट वॉट यू नो सी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग रीमेक स्पेशली जब आप सेम फिल्म मेकर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं तो वो एक बार वो फिल्म बना चुके हैं और जो फिल्म कैरेक्टर रिवन होती है जैसे टाइटल रोल है और वो कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी जो है और उसकी लव स्टोरी जो है प्रीति कैरेक्टर के साथ वही पूरी फिल्म है उसकी इमोशनैलिटी और उसका इमोशनल आँख ही फिल्म है Uh, तो उसको रीडिस्कवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज uh, मुझे ओरिजिनल फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मुझे उसमें विजय का काम बहुत ही बेहतरीन लगा था और ऐसा लगा था पता नहीं मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया उनकी पहली फिल्म थी लोगों ने पहली बार उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है एक अलग अपील होती है uh, लेकिन जब मैं और संदीप मिले हमारी कोशिश यही थी कि हम कबीर सिंह की सोल को ढूंढ सकें और कबीर सिंह के दिल का जो दर्द है और उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो पसौना है उसको लोगों तक पहुंचा सके सो द एफर्ट वॉज टू ट्राई एंड मेक एन ओरिजिनल फिल्म विदाउट यू नो लूजिंग द इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ अर्जुन रेड्डी दैट वॉज आर इंटेंट एंड यू सेट दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर एंड इफ दैट इज़ द फिल्म आई मीन अगर आप कबीर सिंह के साथ कनेक्ट करेंगे और अगर आप कबीर और प्रीति की लव स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे देन आई डोंट थिंक यू विल भी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट्स यू नो इट्स अ लवली फिल्म इट्स अ लवली फिल्म तेरा नहीं टूटा गया सबका टूटा भाई जिसका नहीं टूटा है वो हाथ उठाओ देखो एक भी हाथ नहीं उठा भूषण जी के भी हाथ नीचे हैं कियारा का भी हाथ नीचे है संदीप के तो दोनों हाथ नीचे right. शाहिद शा... है, शाहिद... आ... आप मिले होंगे मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के कभी नहीं देखा आपने सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था तो दिल में मेरे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था दिल तो सबका टूटता है एंड आई थिंक कबीर सिंह के लेवल तक कोई नहीं ले जाता <laughs> बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक ले जाते हैं सिचुएशन को दैट्स वाई प्रोबली इज़ अ कैरेक्टर दैट यूट वॉन्ट टू वॉच अ फिल्म अबाउट बिकॉज ही इज सो डिफरेंट एंड सो न्यू बट ऑफकोर्स दिल टूटता है जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसा लगता है ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहे हो आप लाइफ में कुछ कलर नहीं होता बट देव टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन है ना जस्ट लाइक यू ऑल्सो यू ऑल्सो डिट या शायद, शायद, right. शायद सेंटर। भूषण जी आपके राइट में आ, सवाल यह है कि आ, क्योंकि अर्जुन रेड्डी बहुत ही हिट हुई थी इसलिए एज एन प्रोड्यूसर आपने चूज किया या कोई खास हाँ सी बहुत ही डिफरेंट फिल्म है और मीन्स वी ऑलवेज एज प्रोड्यूसर्स वॉन्ट टू शो सिनेमा विच इज़ वेरी डिफरेंट टू फॉर द बॉलीवुड ऑडियंस सो नॉर्मली ऐसा होता है रीमेक्स लोग इस ये सोच के बनाते हैं कि uh, बहुत बड़ी हिट हुई है तभी हम हाँ बना रहे हैं बट दिस वॉज रियली वैन आई सॉ द फिल्म उसमें जो कैरेक्टर था मैं तो आई कैन स्टिल गेट ओवर दैट कैरेक्टर ऑफ शाहिद कपूर इन दैट सो इट्स जी

कियारा जी अरे पप्पी छोड़ के कोई और सवाल पूछे एक्टिंग एक्टिंग भी की <laughs> <laughs> तो दिख रही है एक्टिंग में उम्र में भी बड़ा ही हूँ बोल दे कोई टेंशन नहीं है दो बच्चे हैं प्रूफ है मेरे पास <laughs>